वहीं हाथरस की चंदपा कोतवाली के गांव बामुली में 25 साल बाद ग्राम प्रधान का चुनाव हो रहा है। पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्यक्ष के इस गांव में 1988-1989 के बाद इस बार चुनाव किया जा रहा है। हम हाथरस के नुसान ब्लॉक के गांव बामोली में खड़े हुए हैं। कह सकते हैं कि अखबारों की एक लाइनलाइन बनती है आकाश दुबे, जो 25 साल बाद चुनाव हुआ था, वही स्थिति यहाँ है। 25 साल से यहाँ चुनाव नहीं हुआ। 25 साल बाद आप देख सकते हैं वोटरों की एक लंबी कतार लगी हुई है। यहाँ कभी ग्राम प्रधान के चुनाव नहीं हुए। पिछले 25 साल से कह सकते हैं कि निर्विरोध हमेशा ग्राम प्रधान चुने जाते रहे हैं। उसका कारण रहा कहीं ना कहीं पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय का ये गाँव का होना। आइए जानते हैं, यह हमारे साथ करें। क्या नाम है सर आपका? मनोज शर्मा। 25 साल बाद लगभग चुनाव हो रहा है। हाँ, 25 साल बाद हो रहा है। 88-89 के बाद में पहला चुनाव हो रहा है। सब विरोध लोग अगर कारण क्या था इसका? प्रमुख सबके संगठन न हो, खराब व्यक्ति मानते हो। अब कुछ नए युवा वर्ग आ गए, उन्हें ज़्यादा वो चढ़ रही है कि नहीं प्रधान हम भी देख लें, तो वो लोग ना माने तो प्रधान सीट के लिए जो पहले निर्वोध कह रहे हो, कहीं ना कहीं मंत्री जी का सपोर्ट रहा था। नहीं, पूरे गांव का था। पूरे गांव मंत्री जी कहते थे वो फाइनल। हाँ, गदाई बामोली दोनों का पूरा सहयोग रहा है। उसका 25 साल तक उपाध्याय जी। हाँ, उपाध्याय जी। इस बार ऐसा क्या हुआ? अभी उपाध्याय जी के साथ ही है दोनों, पूरा गांव, पूरी मतलब ग्राम पंचायत। पर वैसे नए युवन ने चढ़ रही है कि वो जो है हम प्रधानी लड़ने। यानी कह सकते हैं पूरे 25 साल बाद यहाँ जो वोटरों की एक लंबी सी कतार लगी हुई है, ये जो लगी है इस बार प्रधानी चुनाव के लिए वोट डाल रहे हैं। शायद इन्हें कभी पहले इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सभी एक तरह से ने चुनाव तय कर दिया करते थे उपाध्याय जी के लिए। अभी कह सकते हैं कि रामवीर उपाध्याय जी जो इस समय कह सकते हैं 14 नंबर सीट, वो भी एक हाईलाइट बनी हुई, क्योंकि उनके भाई भी उनके विरोध में खड़े हुए हैं। TN शर्मा, इंडिया न्यूज़।